नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग गुलाबी सुंडी को अपने खेत में आने से रोक सकते हैं, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो मैं आपको वही तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंत में वो तरीका भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल साउथ अमेरिका के अंदर 2018 के अंदर किया गया और पूरी तरह से वहां पर गुलाबी सुंडी को खत्म कर दिया गया। मैं आपको जितने भी तरीके बता रहा हूं दोस्तों, वो सारे के सारे तरीके वैज्ञानिक भी किसान भाइयों को बताने का प्रयास कर रहे हैं समय समय पर, और बोल रहे हैं कि इनका इस्तेमाल करो ताकि गुलाबी सुंडी को खत्म किया जा सके। तो अगर आप लोग कपास और नरमे की अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और गुलाबी सुंडी को खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए, घंटी के आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए, और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर दें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, गुलाबी सुंडी को मारने के तरीके जानने से पहले आप लोग एक बार इसके जीवन चक्र के बारे में समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जो अंडे दिए जाते हैं इस सुंडी के, वो आपको इन आंखों से नहीं दिखेंगे। वो पहले सफ़ेद होते हैं, फिर ऑरेंज हो जाते हैं, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो हैच हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर से सुंडी बाहर निकल आती है जो उसकी लार्वल स्टेज होती है। ये सुंडी निकलने के बाद टिंडे के अंदर घुस जाती है, बहुत छोटा सा छेद होता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता, और अंदर घुसने के बाद 12 से 15 दिन तक ये लार्वल स्टेज के अंदर रहती है और सुंडी अपना अच्छा खासा साइज वहां पर कर लेती है, और जितने भी सीड हैं अंदर कॉटन के उन्हें खत्म कर देती है, और उसी के साथ साथ जितना भी कॉटन अंदर है उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद में ये प्यूपल स्टेज में जाती है, यानी कि इसके ऊपर एक हल्का सा कवर बन जाता है, और ये टिंडे के समेत भी धरती पर गिर सकती है और अकेली भी धरती पर गिर सकती है। जो प्यूपल स्टेज में ये 7 से 8 दिन रहती है, और इस अवस्था के अंदर ये ना हिलती, ना डुलती, ना कुछ खाती, ना पीती, ये बस पड़ी रहती है। और इसके बाद में ये जो है एक इंसेक्ट का रूप ले लेती है, उड़ जाती है, फिर मेटिंग करती है मेल फीमेल, यानी सेक्स करते हैं, फिर जो अंडे होते हैं उन्हें फिर से दे देते हैं, और फिर से यही पूरा का पूरा काम इनका शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लगभग 30 से 35 दिन का, यानी 1 महीने के करीब जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बात और आपको मैं समझा देता हूं, कब ये अंडे देना शुरू करती है। बारिश की शुरुआत होती है गर्मियों के बाद, तब ये अंडे देना शुरू कर देती है। जैसे हमारे यहां पर अभी बारिश की शुरुआत हो गई, तो अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर जो ये कीट है ये गुलाबी सुंडी के अंडे जो है रखने शुरू कर देंगे। जो मक्खी की तरह होते हैं, उड़ते रहते हैं, और ग्रुप में अलग अलग जगह अंडे ये देते रहते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, 2 स्टेज के ऊपर ये कॉटन प्लांट के अंदर अंडे देते हैं। एक कॉटन स्क्वायर, फर्स्ट कॉटन स्क्वायर जो होता है वहां पर अंडे देते हैं। वो क्या होता है, कॉटन का जो प्लांट है, नीचे से गिनना शुरू कीजिए, पहली पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, चौथी पत्ती, पांचवीं पत्ती, छठी पत्ती और सातवीं पत्ती लास्ट होगी, और छोटा सा ऊपर कोई टिंडा लगा होगा या कोई छोटा सा फूल निकलने वाली जगह बनी होगी, वहां पर ये अंडे देगी। दूसरा, ये जो क्लैक्स होता है, किसी भी बोल होती है जो टिंडा होता है, इसके जो नीचे दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में अंडा देती है, और वहीं से वो उसके अंदर निकलते ही लार्वा टिंडे के अंदर घुस जाता है। तो ये इसकी स्टेज होती है। एक बात और ध्यान रखें, जब आपके इलाके में ठंड का मौसम शुरू होता है, जैसे हमारे यहां पर अक्टूबर के आधे अक्टूबर के बाद यानी मिड अक्टूबर में ठंड का मौसम आ जाता है, उस टाइम जो सुंडी लार्वल स्टेज में है, जो टिंडे के अंदर है, वो अंदर ही रह जाती है, वो प्यूपल स्टेज में नहीं जाती, यानी कि वो आगे ग्रोथ नहीं करती, उसका ग्रोथ वहीं रुक जाता है, और ये सबसे हानिकारक होता है, क्योंकि वो बड़ी तो होगी नहीं, कम से कम बड़ी हो जाए तो कीट पतंगा बन के उड़ जाएगी, जो प्यूपल स्टेज में होगी तो 7-8 दिन कुछ खाएगी नहीं, नुकसान तो नहीं करेगी, लेकिन ये लार्वल स्टेज में ही रहती है लंबे टाइम तक, जब तक इसके फेवरेबल कंडीशन अगले साल तक नहीं आती, और इस टाइम ये अंदर घुसी घुसी पूरे के पूरे टिंडे को खत्म करती रहती है। अब रही बात कि इसे रोका कैसे जा सकता है, तो रोकने के तरीके मैं आपको बता देता हूं। इसकी रोकथाम को अभी से हम शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है,
कि जो भी पिछले साल की लकड़ियां हमने काट के अपने खेत में रखी हुई हैं उनके ऊपर, क्योंकि उस कपास में गुलाबी सुंडी थी पिछले साल, उनके ऊपर जो है आप नेट डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड यानी कि मच्छरों को मारने वाली दवाई भी उसके ऊपर करें। नेट डाल देंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी गुलाबी सुंडी जो है कलेक्ट हुई हुई मिल जाएगी, वो जो कीट के रूप में उड़ने वाले पतंगे के रूप में है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। दूसरा तरीका इसका है जो फर्स्ट कॉटन स्क्वायर यानी कि जब 1.5-2 फीट का पौधा हो जाए और उस वक्त अगर बारिश आ जाए तब आप उसके ऊपर जल्दी से जल्दी स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। कोई भी इंसेक्टिसाइड सस्ता हो, ज्यादा महंगा नहीं करना, सस्ता कीजिए लेकिन टाइमली हर 10-15 दिन बाद उसे आप करते रहिए। तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका यह है कि फील्ड के अंदर एक बल्ब लगा दीजिए और नीचे एक जो है कोई बकेट रख दीजिए और रात के टाइम में इसे जला दीजिए। 2:30-4 बजे तक ये सबसे ज्यादा मेटिंग करते हैं, सबसे ज्यादा ये मतलब संभोग करते हैं अंडे देने के लिए, मेल फीमेल, इस बात को याद रखें। तो जब बल्ब जगाएंगे तो बल्ब की तरफ ही अट्रैक्ट होके आएंगे और खत्म हो जाएंगे। तीसरा चीज, जो जैपर आते हैं, इंसेक्ट ट्रैपर आते हैं, बहुत प्रकार की लाइटें आती हैं, स्मेल वाले कैप्सूल आते हैं, नेट आते हैं, उन्हें भी आप फील्ड में लगाइए ताकि रात के टाइम में वो बल्ब जलेंगे, ट्रैपर जलेंगे तो वो मच्छरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और वो मर जाएंगे। प्यूपा, देखिए स्टेज को फिर समझिए, अंडे, अंडे के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपल जो है ये 7 से 8 दिन, प्यूपल स्टेज जो है ये 7 से 8 दिन वहीं पड़ा रहेगा जमीन पे। तो जब भी कपास के खेत में पानी लगाएं तब उसके अंदर जो दीमक मारने वाली दवाइयां हैं वो जरूर डालें ताकि इंसेक्ट मारने वाली जो भी दवाई है, सुंडी मारने वाली जो जमीन के अंदर पानी के साथ घुल सके वो जरूर डालें ताकि ये जो है प्यूपल नीचे ही खत्म हो जाएं और दोबारा से ये कीट ना बने, दोबारा से अंडे ना दें। और लास्ट तरीका है वो तरीका है जिसे अमेरिका ने 2018 में इस्तेमाल किया, और वो तरीका क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एक चीज होती है इनमें खास कि गुलाबी सुंडी के अगर 100 अंडे हैं और उनमें से 100 बच्चे निकले तो 50 होंगे मेल, 50 होंगे फीमेल। अमेरिका वाले बंदे दिमागी बहुत हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई 100 मेल अगर हैं फील्ड में तो उन्होंने 200 मेल तैयार किए, इंसेक्ट तैयार किए वैज्ञानिकों ने, और उन्हें फील्ड में छोड़ दिया। अब वो बांझ मेल 200 आ गए जो सेक्स भी करेंगे, फीमेल अंडे भी देगी, लेकिन उन अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे मेल उन्होंने छोड़े और जितनी फीमेल थी, फीमेल एक बार सेक्स करके 10 दिन अंडे देती है फिर मर जाती है, तो ऐसे उन्होंने 1 साल एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में पूरी की पूरी गुलाबी सुंडी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन ये तरीका आप और हम सामान्य किसान इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें अगर भारत सरकार किसानों की सहायता करे तो किसान जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर दोस्तों, जो तरीके मैंने बताए जितने हो सकें आप इस्तेमाल करें ताकि आप अपने खेत में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को रोक सकें। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारी यहाँ पर कई वीडियो दिखाई दे रही हैं इनको भी ज़रूर देखें। गुलाबी सुंडी के कारण आपके यहाँ पर कितना नुकसान हुआ वो भी हमें ज़रूर बताएँ। देखते रहिए ABC इंडिया।